नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए मंत्रियों की भूमिका तय कर दी गई है। गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और रेल जैसे अहम विभाग बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। सहयोगियों को मिले विभाग पर अब विपक्ष सियासी रोटी सेंकने में लगा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को किंग मेकर बताते हुए इंडी अलायंस के तमाम दल बीजेपी पर अपने सहयोगियों को ठगने और मंत्रिमंडल में वाजिब हिस्सेदारी नहीं देने की बात कह रहे हैं। एक तरफ सुबह से मंत्रालयों में पदभार संभालने का दौर चला, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के सहयोगी दलों को मिले पोर्टफोलियोज के बहाने नई पॉलिटिकल पिच तैयार करने में जुट गया। तेजस्वी यादव ने सहयोगियों के विभागों को झुनझुने की संज्ञा दी, तो संजय राउत ने नीतीश और नायडू को पीएम मोदी से सवाल करने की सलाह दी। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। दलों को और एनडीए गठबंधन के जो दूसरी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एक तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है, ठगा गया है यूं कहा जाए। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो प्रमुख मंत्रालय है, मुख्य मंत्रालय है, उसको अपने हाथ में रखा है। हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विभागों का बंटवारा सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही हुआ होगा। तभी तो पदभार ग्रहण करने के बाद नीतीश के करीबी पीएम के एजेंडे को 3 साल में पूरा करने की बात कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के खास नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसलिए आप किसी भी चीज में निगेटिविटी को देखते हैं, निगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। काम कोई छोटा नहीं होता है, बार ईश वर्ष से काम ही पूरा होती है। प्रधानमंत्री को सबको जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया, तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मानी जी हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। यंगेस्ट मेंबर हूँ अभी कैबिनेट में, तो इतना बड़ा मंत्रालय पहले तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि इस तरह से कैसे उन्होंने, पर उनके कैबिनेट के बाद जब मैंने मोदी जी से पर्सनली बात किया तो उनका वो विजन नजर आया, तो सब सोचकर उन्होंने दिया होगा, तो मैं पूरी तरह से जस्टिस करना चाहूँ। अब ऐसे में सवाल है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दलों के मंत्री बिना किसी संकोच के पीएम मोदी के विजन को साकार करने में जुटे हैं, तो विपक्ष ऐसे बयानों के जरिए क्या हासिल करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।